CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, इस सोमवार की सुबह आपका स्वागत है एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेंस डे स्पेशल वीक, क्योंकि 8 मार्च को हम मिलकर विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। दोस्तों, इस सेलिब्रेशन के द्वारा हम औरतों की जो अचीवमेंट्स हैं उन्हें हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, स्टीरियोटाइप्स को हम तोड़ना चाहते हैं, विमेन के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए हम विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और उनकी जो तकलीफें हैं उनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, और इस साल हम खास एम्ब्रेस इक्विटी पर जोर दे रहे हैं, यानी कि हम बराबरी की, भागीदारी की, साथ साथ कार्य करने की, फेयर जस्टिस की बात को अपनाने की बात कर रहे हैं। और आज हम खास वुमन हेड को सेलिब्रेट करेंगे, बात करेंगे कैसे ये दौर महिलाओं के आगे बढ़ने का और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने का है। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में सृजा, उसने नर और नारी दोनों को अपने अपनी छवि में, अपने स्वरूप में उसने सृजा। वो हम सबसे एक समान प्रेम करता है और हम याद रखें कि वी एज विमेन आर स्पेशल टू गॉड, गॉड लव्स अस, और वो हमारे जीवन के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। बस हमें अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना है। और आइए दोस्तों, इस स्पेशल वीक में आज के दिन को आगे बढ़ाते हुए हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो हमारे लिए गा रही है सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की कॉयर, और ये गीत है गहराई से है मेरे नाल। आइए हम सब मिलकर इस गीत को सुने। जी
कितनी अच्छी प्रार्थना है ये गीत एक प्रार्थना है जो हम सब कर सकते हैं। हम सब अपने जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं, शायद अकेलापन है, शायद कोई और चैलेंज है, तो क्यों ना हम सब ये प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे, दिल की गहराइयों से हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी इन चैलेंजेस के ऊपर हमें विजय दे। हाँ दोस्तों, वाकई में एक बहुत ही सुंदर गाना है और एक प्रार्थना है अगर जो हम अपने मन में अपनाएं और प्रभु से प्रार्थना करें तो वाकई में हम बहुत शांति पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें, टू गिफ्ट देम अ सॉन्ग। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक बेहद इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, और पहली बार चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं मलयालम कॉयर सेंट जॉन पॉल सेकंड चर्च इंदिरापुरम गाजियाबाद से। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपके कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी हैं, तो 9910401010@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स को जो सदियों से परिवार और चर्च के इतिहास में सुसमाचार फैलाने में नेतृत्व देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, और इनफैक्ट हम देखते हैं मानव कि अ वुमेन प्ले सो मेनी रोल्स, बहुत सारे रोल्स वो अदा करती हैं, कहीं वो एक माँ है, कहीं वो एक बहन है, कहीं वो एक डॉटर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, कहीं वो एक वाइफ है, कहीं वो एक एग्जीक्यूटिव है जो काम कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हैं, और आज के दौर में ये ऑर्गेनाइजेशंस को लीड कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की स्टार्टअप्स में दे आर फाउंडर्स, तो बहुत सारे रोल्स निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, एंड गॉड वांट्स टू डू अमेजिंग थिंग्स थ्रू द लाइफ ऑफ वुमेन, एंड बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास आएँ और अपने आप को उन्हें समर्पित करें। और इनफैक्ट ऐसी ही कहानी आज हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अर्चना फुलवारी से, जो गुजरात के वडोदरा में प्रेस्टीजियस महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। वो इस पोस्ट में रहकर अपने स्टूडेंट्स को ज़िंदगी में सही कदम उठाने का हौसला देती हैं। आइए जानें उनके स्ट्रगल्स के बारे में और कैसे वो आज इस मुकाम में अपने जीवन में पहुँची हैं। वडोदरा गुजरात की रहने वाली डॉक्टर अर्चना फुलवारी एमएस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। अर्चना ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो अपने स्टूडेंट्स को भी यही सलाह देती हैं कि मेहनत से पढ़कर ही आगे बढ़ सकते हैं, शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती। और जब मैं पढ़ाई करती थी उसी समय में ये सोचती थी कि जो भी मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ या जो मैं करियर सिलेक्ट करूँ, मैं गॉड की डायरेक्शन से मैं सिलेक्ट करूं, तो मैं हमेशा बाइबल में पढ़ के गॉड की डायरेक्शन ढूंढती थी। एंड समहाउ गॉड यूज्ड टू टॉक टू मी एंड ही ड्रू मी टुवर्ड्स द करेक्ट करियर एंड एरिया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिस इज द 24th ईयर जब मैं इस जॉब में हूं। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जो मुझे ग्रोइंग अप ईयर्स में मिली थी वो मुझे बहुत काम आई और काम आ रही है, और वो ये है कि यू नो यू डिलीवर योर वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स जो है हर साल हम एक्सपीरियंस करते हैं कि नए नए यू नो बैचेस आती है, एंड एवरी न्यू बैच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, मोर मॉडर्न, मोर यू नो
फ्री और एक लिबरल कल्चर हम चेंज होता देखते हैं, तो उसमें एज अ टीचर हाउ टू डील विद द स्टूडेंट्स, उसमें आप बीइंग फ्रेंडली एट द सेम टाइम हैविंग अ सर्टेन सेंस ऑफ यू नो जेंटलनेस विद विच स्टूडेंट्स के साथ आपको ट्रीटमेंट रखनी होती है। जब ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो एक ऑफकोर्स उसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट ये था कि द ऑनलाइन क्लास इज फुल, बट उसमें हार्डली एक या दो बच्चे ऐसे होते थे जो रिस्पॉन्ड करते थे। सिमिलर काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दे हैव अडॉप्टेड इन द ऑनलाइन एग्जाम्स आल्सो, तो शॉर्ट टर्म गेन्स उन्हें डेफिनेटली हुई है। इनफैक्ट जब यही बैचेस ऑनलाइन बैचेस जब ऑफलाइन में आई है तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये रहा है अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज दैट दो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द ऑनलाइन बैचेस हैव बीन वेरी वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और यू नो नॉलेज एक्विजिशन, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा कमी रही है। सो इससे भी ये यू नो आई वुड ऐड टू दैट कि शॉर्टकट्स नेवर हेल्प इन लाइफ, तो हर एक चीज़ जो आपको पढ़ने का मौका मिलता है आपको उसका बेस्ट बेनिफिट लेना चाहिए जब आप एज अ स्टूडेंट हो। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट लाइफ में यू नो बच्चे इतना नहीं ध्यान देते हैं एंड देन जब उनकी करियर में एंट्री होती है व्हेन दे यू नो गो टू द मार्केट, उस टाइम वो रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ जो एपरेंटली हमको लगती है कि बहुत साधारण सी चीज़ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, या शायद प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं दिख पा रही, बट एज वी ग्रो इन लाइफ एज वी मूव इन लाइफ हम देख पाते हैं कि वो नॉलेज हमें कहीं ना कहीं वो काम आ रहा है। सो आई वुड टेल द स्टूडेंट्स टू बी सिंसियर इन देयर एफर्ट्स। लाइक टू से दैट हमें भी स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, उसमें से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और ऐसी कोई भी चैलेंज नहीं है, ऐसा कोई भी सिचुएशन लाइफ का नहीं है जिसके लिए आपको बाइबल में से कोई उपाय नहीं मिल सकता। इन द एंड आई वुड से आई वुड टेल द स्टूडेंट्स टू बी यू नो पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क and they will definitely reap the benefits. With all the hard work, they must also hold on to gentleness and humbleness in all respects with everybody, with every person in the society. बहुत अच्छा लगा अर्चना जी से मुलाकात करके, और हमने जाना कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के जीवित वचन को महत्व दिया है, प्रार्थना को महत्व दिया है, और वो कैसे परमेश्वर की मदद से ही उन्होंने अपने जीवन में हर कदम को आगे उठाया है। दोस्तों ये समय होगा कि हम जाने कि प्रभु ने औरतों को महिलाओं को कितना विशेष स्थान दिया है। दोस्तों आज जब हम जब वचन देखते हैं तो वचन में हम ये पाते हैं कि प्रभु ने महिला को और आदमी को बराबरी का दर्जा दिया है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे उसमें औरतों का भी जिक्र है, महिलाओं का भी जिक्र है। और आज से जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो ये बहुत सही मौका होगा, दिस इज़ द राइट ओकेजन वेयर वी लुक एट द वर्ड, जहां पर प्रभु ने महिलाओं को ऑनर दिया है, उनको वो सम्मान दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है आदमियों के बराबर का। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में महिलाओं का जिक्र है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण महिला जिनका जिक्र है वो प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम। एंड मरियम का जब जिक्र आता है तब हम देखते हैं कि मरियम के पास एक दूत आता है, और वो दूत प्रभु का एक मैसेज लेकर आता है मरियम के पास और उनसे कहता है कि तू यीशु मसीह को जनेगी जो प्रभु है, और वो ही इस दुनिया का उद्धार करेगा, एंड ही विल बी द सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी सी। मरियम उस बात को सुन के थोड़ा सा घबरा जाती है, मगर वो कहता कि घबराओ मत क्योंकि ये प्रभु मुमकिन करेगा। एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहता है, For there is nothing impossible with God. और देखिए मरियम का क्या उसके प्रति रिप्लाई होता है, और मरियम लूका 1:38 में बोलती है, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए प्रभु ने मरियम को कितना ऊंचा दर्जा दिया, उनको कितनी रिस्पेक्ट दी, और आज तक हम वचन में पढ़ते हैं कि महिलाओं को प्रभु ने कितना ऊंचा दर्जा दिया, बल्कि यीशु मसीह की वंशावली में उनका नाम दिया। और वहां पर मरियम ने प्रभु को भी सबसे ऊंचा दर्जा दिया, प्रभु से कहा कि मैं आपकी दासी हूं,
जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप चलाते हैं मेरे जीवन को, मैं उसके प्रति सबमिशन में मौजूद हूँ। मेरी प्रिय बहनों, आप ये जानिए कि आप लोग प्रभु के लिए बहुत प्रेशियस हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि माँ की कोख में फॉर्म होने से पहले ही उसने हमारे बारे में सोच लिया था, आपके बारे में भी सोचा हुआ है। प्रभु ने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, आपका नाम उसकी हथेली पर लिखा है। प्रभु मेरे से और आपसे आँख की पुतली से ज़्यादा प्रेम करता है, आपसे बहनों वो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये जानिए कि आप प्रभु की नज़रों में बहुत प्रेशियस हैं। हो सकता है आज आप दुनिया की नज़रों में अपने आप को उतना प्रेशियस ना पाते हों, हो सकता है रिलेशनशिप्स में आपको देखते होंगे कि इतना आपको इज्जत नहीं मिलती है या इतना सम्मान नहीं मिलता है, मगर प्रभु आपको सम्मान देता है। वर्क प्लेस में इतना सम्मान नहीं मिलता है, प्रभु आपको सम्मान देता है। और मरियम की तरह आप सबमिशन में आइए, देखिए प्रभु आपको कितना ऑनर करता है और कितना आपके साथ बना रहेगा, वो ना छोड़ेगा ना ठुकराएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, कई बार हम महिलाएं एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे परिवारों में, सोसाइटी में, वर्क प्लेस में हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो इंकरेजमेंट नहीं मिलती जिसके हम हकदार हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, और हम खुद ही अपने आप को डिस्करेज करते हैं। लेकिन आज मानव ने हमें याद दिलाया परमेश्वर के वचन से, दैट दिस मे बी इम्पॉसिबल विद मैन बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है, और जब हम अपनी इच्छाएं, अपने प्लान्स परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, और अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, तो वह ज़रूर उन्हें हमारे जीवन में मुमकिन होने देगा। दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ ही वी वुड लव टू हेल्प यू विद प्रोफेशनल काउंसलिंग। आपके चैलेंजेस में काउंसलिंग आपके बहुत काम आएगी, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करना चाहते हैं, आप ऐसा ज़रूर करें। इसी समय आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों, हम लोग जारी रखेंगे वुमेंस डे का सेलिब्रेशन, और उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे मेबल जेकब से, जिन्हें अपने लुक्स के लिए उनके ऊपर काफ़ी बुलिंग होती थी, मगर देखिए प्रभु ने उनका कैसे साथ दिया और उनकी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन आया। तो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these three easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN Offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. Samman ko gale lagayi. Dikar ko gale lagayi. Shiksha ko gale lagayi. सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए। इम्प्रेस इक्विटी, समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों, इस हफ्ते 8 मार्च को हम इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे एक नई जिंदगी पर। पर दोस्तों, हमने तो सेलिब्रेशंस आज से ही शुरू कर दी हैं। इस पूरे हफ्ते भर वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग विमेन हु आर आल्सो क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज इन हिज लाइकनेस। रेबेका, जब आप कहती हैं वुमेन्स आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज एंड हिज लाइकनेस, हम लोग देखते हैं कि वुमेन आर नॉट ट्रीटेड रियली वेल, एंड काफी सारी चीजें हैं उनके लुक्स के ऊपर उनके कमेंट्स करे जाते हैं, उनके काम करने के बेसिस पे, उनकी एबिलिटी पर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनकी जो वीकनेस है जिसको लोग धुतकारते हैं, दैट कैन बी टर्न इनटू स्ट्रेंथ एंड उसी चीज को प्रभु प्रदर्शित करे? जी बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बिकॉज वी हैव लर्न टुडे, आपने हमें समझाया और सिखाया है दैट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। इनफैक्ट लुक्स की बात हो रही है तो ऑफन विमेन आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स एंड द वे दे ड्रेस अप, एंड बहुत सारा हम देखते हैं कि पीपल स्पेंड सो मच ऑन कॉस्मेटिक्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, एंड जस्ट टू बी एक्सेप्टेड एंड जस्ट टू बी यू नो एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एंड इन द फैमिलीज। एंड इनफैक्ट ऐसी कहानी हम आज दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मेबल जेकब से, जिन्होंने भी बचपन से ही अपने लुक्स की वजह से बहुत सारी बुलिंग का सामना किया, लेकिन
इसी वीकनेस को परमेश्वर ने उनकी स्ट्रेंथ में बदल दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, आइए मेबल से मिलकर हम जानें। मैं जब 11 एज की थी तब मैं 62 केजीज की थी, जो कि मेरी एज के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा था, और मैं ओवरवेट वाली कैटेगरी में आती थी। बुलिंग नॉर्मली सब जो फ्रेंड्स वगैरह होते थे, मेरा जो सारा पेयर ग्रुप था, वो कभी ऐसे मजाक में कोई भी कमेंट पास करते थे, तब उनके सामने तो कुछ मैं ज़्यादा ऐसे एक्ट नहीं करती थी कि मेरे को हर्ट हुआ या नहीं। मैं सोचती थी कि लोग मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं, तो वो चीज़ मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह थी, और मैंने अपने आप को तब चेंज करना शुरू किया। फिर मैंने अपने आप को मेंटेन करना स्टार्ट किया और वर्कआउट किया और अपनी डाइट सारी मेंटेन की, और एक्सरसाइजेस में जो मेन एक्सरसाइजेस होती थी जो बहुत इफ़ेक्टिव थे, और उनसे वेट रिड्यूस करने में और फैट बर्न करने में बहुत हेल्प हुई। तो मेरे अंदर एक जुनून और एक जोश आ गया कि मैंने मॉडल बनना है। मैं टीवी से देख के एक्सप्रेशंस वगैरह कॉपी करने की ट्राई करती थी, और वॉक सीखती थी खुद से, मिरर के सामने मैं खुद ही प्रैक्टिस करती थी, और उसी से मैं आगे कंपटीशन में पार्ट लेने गई। जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था सैफ्रन्स मिस पंजाब का, उसमें मैं विनर थी, और उस कंपटीशन के थ्रू मुझे सेकंड कंपटीशन में, जो कि मुंबई में हुआ था, उसमें जाने का चांस मिला। मैंने अपना माइंड बनाया था कि ये तो मेरा लेवल ही नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना था एज ए टीम, और इंटरनेशनल कंपटीशन में मैं बिल्कुल मना कर रही थी अपने पेरेंट्स को, और मैं प्रेयर कर रही थी कि खुदा मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो मैं खुदा का नाम लेके उस कंपटीशन में चली गई, और वहाँ जाके जो मेरे को रिज़ल्ट मिला, जो कि फर्स्ट रनर अप का था, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और जब मेरा नाम अनाउंस किया गया तो खुशी तो मेरे को बहुत थी उस टाइम पे, क्योंकि जिस चीज़ को मैं रिजेक्ट करी थी उसी चीज़ में मेरे लिए एक पोजीशन थी, जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जिनको नहीं मिली, पर मेरे को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो क्राउन देखती रह गई कि ये मेरे लिए। उसके बाद जब वो मेरे को पहनाया जा रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि खुदा ने कितना कुछ मेरे लिए रखा हुआ था, कितना अरेंज किया हुआ था, जो मैं सब मना करने वाली थी। पता चला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है अपने आप को कहीं स्टैंड कराने के लिए। उन सभी टीनेजर्स को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जिनके साथ बुलिंग वगैरह होती है, कि आप इन सब से घबराइए नहीं, बल्कि इसको फाइट बैक करें, और अपने फियर्स को फाइट करके इन सबको ओवरकम करें, और सबसे ज़रूरी बात, खुदा पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। वाओ, दैट्स सो एनकरेजिंग फ्रेंड्स। मेबल से मिलकर हमने देखा हाउ गॉड मेड हर विक्टोरियस एंड हाउ गॉड गेव हर द विक्ट्री दैट शी वांटेड इन हर लाइफ। इसकी इनकी स्टोरी से पता चलता है कि हम लोग दुनिया से प्रभावित होके अब बदलने की कोशिश करते हैं, और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है कि प्रभु के लिए आप स्पेशल हैं, प्रभु के लिए प्रेशियस हैं, आप वैसे ही बने रहें और प्रभु आपको उसी तरीके से उभारेगा, उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। That is so wonderful, है ना दोस्तों, God loves us just the way we are, है ना। हमें परमेश्वर को इम्प्रेस करने के लिए या परमेश्वर की नज़रों में एक्सेप्टेड फील करने के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू कम एज वी आर। वो है जो हमें, हु क्लीन्स अस, हु सैंक्टिफाइज अस, हु मेक्स अस ब्यूटिफुल, एंड बस हम यही प्रार्थना करें कि हम और ज़्यादा परमेश्वर की तरह बनते जाएं, दैट वी विल बी मोर क्राइस्ट लाइक। और ये समय होगा कि हम प्रार्थना करें, खासतौर से इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें कि ये इक्विटी की जिसकी बात कर रहे हैं, भागीदारी की, उसको मानन प्राप्त हो,
और जो लेडीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं उनको उससे छुटकारा मिले और वो लाइफ जिए जो प्रभु उनके लिए चाहते हैं और बोल्डली खड़े होकर प्रभु के विश्वास में वो उस लाइफ को जी सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी सृष्टि के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने इंसान को अपनी इमेज में रचा, आपकी प्रतिमा में रचा, ताकि आपकी प्रतिमा को हम अपने जीवनों से, अपने बोल से, अपने डिसीजन से, अपने कार्यों से जता सकें। प्रभु जी इंसान में महिलाओं को और आदमियों को, दोनों को आपने रचा, दोनों को इक्वली रचा, मगर हम देखते हैं आपकी क्रिएशन में आज वो इक्वालिटी नहीं है मालिक। हो सकता है इस समय प्रार्थना के समय प्रभु जी हमारी बहनें कुछ सफ़र कर रही होंगी, कुछ अब्यूज सफ़र करती होंगी, कुछ डिस्क्रिमिनेशन सफ़र करती होंगी, कुछ अपने लुक्स के बारे में उनको सताया जाता होगा, कुछ को अलग अलग चीज़ के बारे में उनको डराया धमकाया और बहुत ज़्यादा उत्पीड़ना दी जाती होंगी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनको उन चीज़ों से छुटकारा दें प्रभु जी, एंड गिव देम फ्रीडम टू हैव अ ब्रेक थ्रू इन देयर लाइफ, टू लिव अ लाइफ जो आप चाहते हैं उनके लिए। प्रभु जी वो आपको जान सकें और बोल्डली खड़े हो सकें, विश्वास का कदम उठा सकें प्रभु जी उस जीवन के लिए जो आप चाहते हैं। प्रभु जी ये सारी प्रार्थनाएं इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन। आमेन। फ्रेंड्स बी इनकरेज्ड, आवर लिविंग लविंग गॉड लव्स अस, ही इज देयर विद अस। और आइए समय हम देखें कि परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें किस तरह इनकरेज कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है। कल भी हम आपसे फिर इसी समय मुलाकात करेंगे 6:30 PM यहीं कलर्स चैनल पर, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अंटिल देन यू ऑल हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।